हे एवरीवन, दिस इज़ सौम्या। आज हम बनाएंगे एक वेडिंग ट्रे, जो कि बहुत आसानी से हम घर में बनाएंगे। और ये हम कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाएंगे। इसके लिए हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए और साथ में इस तरीके का पेपर कटर। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड के साइड्स को इस तरीके से कट कर लेंगे और इसके हम इस तरीके के दो पीसेस निकाल लेंगे। जैसा भी आप कार्डबोर्ड लेना चाहें आप ले सकते हैं। थोड़ा थिक वाला ही इसके लिए रिक्वायर्ड है। जो ट्रे की डायमेंशन मैंने रखी है वो 54x40 रखी है, यानी आप लेंथ और वेथ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जितना भी बड़ा आपको ट्रे बनाना हो। तो यहाँ पर दोनों कार्डबोर्ड के पीसेस को मैंने कट कर लिया है और इनके एजेस को उसी हिसाब से मेजर कर लिया है। अब हम यहाँ पर फेविकोल लेंगे, जिसकी हेल्प से हम इस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा स्टडी बनाने के लिए इन दोनों पीसेस को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। इससे हमारा जो पीस है वो थोड़ा सा मोटा रहेगा और थोड़ा सा स्टडी भी रहेगा। उसके साथ हम यहाँ पर लेंगे इस तरीके का एक वेलवेट पेपर, इसको कवर करने के लिए। ये पेपर बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी जगह पेपर की जगह कपड़ा लगाना चाहें वेलवेट का, तो वो भी एक ऑप्शन है। बट कपड़ा जो है एज़ कम्पेयर टू पेपर थोड़ा कॉस्टली आता है, तो जो आपके बजट में फिट हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम इसको पूरा कवर कर देंगे। और ये वेलवेट पेपर हार्डली एक रोल आपको 5 से 10 रुपए के अंदर मिल जाता है, तो एज़ पर योर चॉइस आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सिर्फ फ्रंट में लगा रही हूँ, आप चाहें तो बैक में कोई और पेपर से भी इसको कवर कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर बैक पार्ट को कवर नहीं करूँगी और सिर्फ फ्रंट को ही कवर कर रही हूँ। आप ध्यान रखें कि जब आप इसको पेस्ट करें तो आप फेविकोल को लगाने के बाद उसको अच्छे से पहले रब कर दें शीट पर, और उसके बाद में आप इस शीट को हल्के हाथों से प्रेस करते हुए लगाएं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आप देखिए, यहाँ पर मैं पहले फेविकोल को अप्लाई कर रही हूँ। इसको अच्छे से रब कर देना है ताकि जो हमारे जब हम इसके ऊपर शीट लगाएं तो इसके ऊपर गैप्स ना बने। ये देखिए, इस तरीके से प्रेस करते हुए आप लगाएंगे तो उसके अंदर कहीं पर भी गैप नहीं रहेगा और बहुत अच्छी सी इसके अंदर फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से हम पूरे इस शीट को लगा देंगे अपने कार्डबोर्ड पर। बहुत ही कम प्राइस में बन जाती है। अगर आप मार्केट में यही ट्रे लेने जाएंगे तो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिल सकती है, पर ये बहुत इजी DIY है। आप इसको बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। कोई वेडिंग ओकेजन हो या फिर किसी का भी गिफ्ट करना हो तो आप घर के वेस्ट कार्डबोर्ड से इसको ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ ए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आइडिया। तो फटाफट से इसको पेस्ट कर देंगे और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इसको हम पीछे की तरफ अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, जो उसके कॉर्नर्स हैं उनको इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे दोनों साइड, और इसको भी हम पेस्ट कर लेंगे। आप इस ट्रे का जो डेकोरेशन है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर का चूज़ किया है इसको बेस देने के लिए, तो आप अपनी कोई चॉइस का कपड़ा लगा सकते हैं इसमें। पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें थोड़ा वेलवेटी लुक का ही इस्तेमाल करिएगा, जो भी आप क्लोथ जो कलर का आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूरी जो हमारी ट्रे है वो उसका बेस रेडी हो गया है। अब हम इसकी फर्दर डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके के रोल्स लिए हैं। ये नॉर्मली जो वॉल स्टिकर्स होते हैं उनके साथ आते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके घर में अगर फॉइल पेपर यूज़ होता होगा किसी भी तरीके का खाने में, तो उसके साथ में जो रोल होते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो भी मैं आपको एक आइडिया बताऊंगी कि आप इन रोल के बिना भी आप इस ट्रे को बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो यहाँ पर मैं इस रोल को कट कर लूँगी इस मेजरमेंट के हिसाब से, और जो भी एक्स्ट्रा पीसेज हैं जो आपके ज्वाइन कर लेंगे उनको, अगर आपकी ट्रे का जो रोल है वो थोड़ा छोटा आता है तो इस तरीके से ज्वाइन करके आप इसको मेजर कर लें। तो यहाँ पर मैं दो साइड ये रोल्स लगा रही हूँ। इनको पहले हम इस तरीके के गोल्डन पेपर से कवर कर लेंगे। ये पेपर की शीट भी हार्डली 2 से 3 रुपए की मिलती है, बहुत इजीली आपको अपने लोकल स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। तो इनको हम कवर कर लेंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ से ख़रीदें। ये देखिए, शर्ट के अंदर जो इस तरीके का निकलता है कार्डबोर्ड टाइप का जो पेपर होता है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको लगाने में, अगर आपके पास इस तरीके का रोल नहीं है। या फिर कोई पुराना कैलेंडर पड़ा हो आप उसको रोल करिए और उसके अंदर थोड़ी फिलिंग कर दीजिए किसी वेस्ट पेपर से, या फिर कुछ अंदर थर्माकोल वगैरह अच्छे से तोड़ के डाल दीजिए, वो भी आपका बहुत अच्छा काम करेगा। या फिर इस तरीके की शीट जो होती है, ये भी मेरे पास जो है शर्ट में ही आया था तो मैंने इसको रखा हुआ था कुछ बनाने के लिए, देखिए आज ये काम आ गया।
तो इस तरीके के रोल्स भी आप, मैंने देखिए यहाँ पर दो से तीन आप जितना भी मेजर करके, ये देखिए अंदर मैंने फिलिंग कर दी है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इसको भी हम रोल कर देंगे, ऊपर रोल होने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है, तो बस फटाफट से इस तरीके से रोल्स हमने रेडी कर लिए। अब हम इनको फर्दर एक किस तरीके से ड्रॉ करके इसका जो डायमीटर है उसके मेजर करके हम इस तरीके से छोटे छोटे से कॉइंस टाइप के बना लेंगे, ताकि हम जो बाहर जो पार्ट दिख रहा है उसको भी कवर कर सकें। तो आप देखिए इसको फटाफट से हम अच्छे से फेविकोल से लगाकर इसके ऊपर पेपर लगा देंगे जो गोल्डन पेपर है, और इससे कवर करने के बाद हम इसको जो हमने रोल्स बनाए थे उन पे हम ये स्टिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चार को ही कट किया है, क्योंकि जो बाकी के दो रोल्स हैं उनको हम अंदर की तरफ लगाएंगे तो वो विजिबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ग्लूगन की हेल्प से फिक्स कर देंगे। जो रोल्स हैं इनको फिक्स करने के लिए आप ग्लूगन का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि फेविकोल से उतना अच्छा स्टडी नहीं बनेगा, थोड़ा सा गिरने का डर रहता है, क्योंकि मेरे पास जो वॉल डिकेल वाले हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको ग्लूगन की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। ये देखिए ये वही वाला है जो मैंने कागज़ से बनाया था, मैंने शर्ट वाले पेपर से। और अब देखिए जो यहाँ पे जो कॉर्नर्स है इनको कंसील करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके के फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर आप लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस आपको ये फ्लावर लगाना है और ये ट्रे एकदम आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो है ना कितना सिंपल सा आइडिया, और बहुत आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। वेडिंग का ओकेजन हो, किसी को गिफ्ट करना हो, तो ये बहुत अच्छा DIY है। तो आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी जर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इस तरीके के वेडिंग रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं या DIYs हैं वो अपने चैनल पर पोस्ट करती रहती हूँ। मेरी जर को फेसबुक पर भी आप लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते। वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको इस तरीके का वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।